नमस्कार, नाम की अदालत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एडवोकेट दोषी। आज का मुकदमा कुछ इस तरह से है कि एक भाई ने दूसरे भाई पर मुकदमा डाला है गांधीगिरी ना फॉलो करने के लिए। तो हम बुलाते हैं सबसे पहले मिस्टर विजय को। मिस्टर विजय हाजिर हो। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। मिस्टर विजय, अदालत में आपका स्वागत है। नमस्कार देवी और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। वकील साहब, 10,000 रुपए के लिए पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर वकील मैं हूँ, मैं सवाल पूछूंगा। तो मुकदमे का पहला इल्जाम आपके ऊपर ये है कि आप गांधीगिरी को फॉलो नहीं करते हैं और उसे कायरों का अस्त्र समझते हैं, क्यों? भैया ये जो बंदूक है ये हमने गांधी मार्ग से खरीदी है। मैंने जो अपना अंडरवियर है वो इंग्लैंड से खरीदा है, इसका मतलब मैं अंग्रेज हूँ। अब हम बुलाते हैं मिस्टर रवि को, जिन्होंने अपने भाई के ऊपर इल्जाम लगाए हैं। मिस्टर रवि हाजिर हो। बाबा 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 बाबा, इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया, तुमको हम पे प्यार आया, प्यार आया। भाई साहब, जो ये चीज आपको तंग कर रही है आप निकलवाते क्यों नहीं उसको? जिस तरह से तुम्हारा फड़कता हुआ कंधा ठीक नहीं हो सकता, मेरा हिलना भी ठीक नहीं हो सकता। क्या बकवास लगा रखी है? देखो, हम दोनों एक ही जगह से उठे थे, तुम कहाँ पहुंच गए, मैं कहाँ आ गया। आए, अरे मेरे पास आज 3-3 गर्लफ्रेंड है, इम्पोर्टेड विस्की है, आईफोन है, तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम्हारे पास? मेरे पास 4G डाटा प्लान है। वो सोशल बाबा की। बाबा, आपको पता है आज बस से आते टाइम भीड़ का फायदा उठाकर एक लड़की ने मेरे गाल पे किस कर दिया। फिर तुमने उस वायरस की कंप्लेंट एंटीवायरस मतलब पुलिस स्टेशन में नहीं की? नहीं बाबा, मैंने अपना दूसरा गाल भी आगे कर दिया। बापू ने कहा है ना, अगर कोई एक गाल पे किस करे तो दूसरा गाल आगे कर दो। पता नहीं कौन से बापू के प्रवचन सुन के आई है। भाई देखो, ये वाली गांधीगिरी करोगी तो तीसरे दिन ही कोई हनीमून पे ले जाएगा। चलिए बाबा जी, आप प्रवचन स्टार्ट करते हैं, बताइए आज किसकी क्या समस्या है। प्रणाम बाबा जी, मेरी एक समस्या है कि मेरा एक पड़ोसी है, वो रोज मेरे घर के दरवाजे के सामने आके पान थूक के चला जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ी गांधीगिरी करते हैं, तो मैंने उसको साफ कर दिया। दूसरे दिन वो 2-3 लोगों को लाके फिर से वही कंटिन्यू वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, 2-3 लोग और आके वो पान थूक के चले जाते हैं। तो फिर तुम रोज रोज साफ मत किया करो, हफ्ते बाद इकट्ठा साफ कर दिया करो। नहीं बस आप इसका उपाय बता दीजिए मुझे कि मैं क्या करूं। देखो भाई, फिर तो थोड़ा मुन्ना भाई MBBS वाले संजय दत्त नहीं, वास्तव वाले संजय दत्त बन जाओ। जब तक सूरज चांद रहेगा। एक दिन में निकलेगा, एक रात में निकलेगा। यहाँ घोचो, बच्चा यादव का नाम रहेगा ऐसा नहीं बोल सकता आएगा तो। अरे मोना, एक बस तुम ही सेक्सी, मेरा मतलब एक बस तुम ही समझदार हो जो हमारे साथ लगी हुई हो। ओ देखो सीटी मारा तो देख एकदम। हाँ नहीं तो पता नहीं कौन जिला के बैल हमारे साथ बांध दिया है। चलो भाई दोबारा से बोलो एक बार, चलो। जब तक सूरज चांद रहेगा, बच्चा यादव का नाम रहेगा। हाँ सर, सर बस करिए, और कितना खाएंगे? ना तो वो भी नहीं खा रहा जो अभी सरकार में है, आप तो फिर भी ऑपोजिशन में है। अरे देखो मुन्ना, ऐसा है कि हम जो है ना बिना खाए पिए भी अनशन पर बैठ सकते हैं, पर बिना खाए पिए गैस बहुत बन जाता है, गुड़गुड़ होता है, और वो कहा है ना कि मिस कॉल आए उससे पहले ही रिचार्ज करा लेना चाहिए, और वैसे भी इसमें देसी घी का तड़का ही नहीं मारा है। अरे का है, चले। सर वैसे मैंने कल ही एक कहावत सुनी थी कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। एक मिनट, आप
तुम्हारी बॉडी में इतना छेद करेंगे कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें और पादे कहाँ से। आज हमारे इंटरव्यू में जो महिला आने वाली है वो घर का सारा काम संभालती है, कई सारी जिम्मेदारियां भी निभाती है। यस, शी इज वन एंड ओनली हाउसवाइफ। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मिसेस शांति देवी का। बैठिए बैठिए जी। आप ना ये थैला मेरा अपने पास रख लो। आपके पास बहुत जगह है, वहां रखिए प्लीज। जी आप रख लो, मेरे को ना डर लगता है जी, कोई ना यहाँ से उठा के ले जाएगा। जब मैं आई ना तो मैंने देखा आपके बैंड वालों की ना नजर मेरे थैले पे थी। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सेफ है। और ऐसे भी क्या है इस बैग में? इसमें ना जी हाउसवाइफ की बहुत कीमती चीज है जी, प्याज और धनिया। वो कौन उठा के ले जाएगा? जैसे मैं उठा के लाई हूँ। मतलब? जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो प्याज वाला ना प्याज 60 रुपए किलो बोल रहा था, तो मैंने कहा जी 60 रुपए तो बहुत ज्यादा है, 10 रुपए किलो दे दे। तो मुआ माना ही नहीं, तो मैंने कहा चल 10 रुपए का धनिया ही दे दे। तो फिर? फिर जब वो धनिया लेने बाजू में गया ना तो मैं प्याज उठा के भगली जी। ब्रैंडी जी, बाबा जी, हमने तुम्हें कहा था कि हमें पेन ड्राइव पे गाने भर के दो, तुमने दिया ही क्यों नहीं? वो बाबा जी मेरे लैपटॉप में ना वायरस आ गया था। तुम्हें कितनी बार कहा है लैपटॉप और घर के दरवाजे को लॉक लगा के रखा करो, क्योंकि वायरस और काले कच्चे वाले कभी भी आ सकते हैं। पर बाबा जी आजकल तो काले चश्मे का जमाना है। लगाओ फिर। बताइए आज किसकी क्या समस्या है? प्रणाम बाबा जी, मेरा नाम प्रेम देवी है, मेरी सास मेरा कहना नहीं मानती, कोई उपाय बताइए तो मेरा काम में हाथ पटाए। बहन जी आप उन्हें काम के लिए मत कहिए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि घर के काम के लिए पति तो है। पति भी मेरी कोई बात नहीं सुनते। बहरे हैं मतलब कहना नहीं मानते, तो ऐसा कीजिए उनको बोलिए कि मेरा घर के काम में हाथ बटाए, नहीं तो हफ्ते बाद साड़ी लाए, निपानी शुरू हो जाएगी। छोटी रानी क्या कर रही हैं आप? वो हम धनिया पीस रहे थे, महाराज के लिए चटनी बनानी है। अच्छा, वैसे वो बीच वाली रानी कहीं नजर नहीं आ रही? अरे वो महाराज के लिए हुक्का ठीक करवाने के लिए गई है, कल रात पीते पीते चिल्लम टूट गई थी। इससे पहले तो महाराज बिल्कुल भी हुक्का नहीं पीते थे, लेकिन जब से ये बीच वाली रानी आई है तब से रोज हुक्का पीते हैं। बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, हमें भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, आखिर कोयला तो हम ही को लाना पड़ता है ना। लो ये भी आ गई, आप ही के बारे में बात कर रहे थे हम अभी, बहुत लंबी उम्र है आपकी। अच्छा जरा हम भी तो सुने हमारी प्यारी रानियां हमारे बारे में क्या बातें कर रही थी। वो रानी हम कह रहे थे कि आप इतने अच्छे लहंगे पहनती हैं, हमें तो नहीं मिलते ऐसे लहंगे। महाराज को तो हमने बोला ही हुआ है अगर हर हफ्ते हमें नई साड़ी नहीं दिलाई तो हम आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप, अरे आप इतनी मेहनत जो करती हैं इतना तो आपका बनता ही है। आप दोनों बैठकर बात कीजिए, हम जाकर रसोई में चटनी बनाते हैं, महाराज आने वाले होंगे, हम उन्हें अपने हाथ की चटनी खिलाएंगे।
जी प्यारी रानी। बड़ी आई चटनी खिलाने वाली, जब से आई है तब से महाराज की चटनी बना के रखी है। सही बात है, ये चटनी बनाती है और महाराज इनकी चटनी को बकरियों को खिला देते हैं। आपको पता है जब आप यहाँ पर नहीं थी तब हमें बोल रही थी कि महाराज को बहुत ही गंदी आदत लग गई है हुक्का पीने की बीच वाली रानी की वजह से। ऐसा कहा हमारे बारे में? ये जलती है हमारी नई नई साड़ियों से। पता है कल हमें आपके बारे में कह रही थी कि बड़ी रानी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। बूढ़ी बोला? मैडम। हाँ? भूख लगी है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वकील साहब को कह के ना पकौड़े मंगवाए हैं। अरे वो कुछ नहीं लाएंगे, आटे ही बहाना बना देंगे। मेरा स्कूटर चोरी हो गया मैम। वो सब छोड़ो, मेरे पकौड़े तो पकौड़े। अरे मैडम आपके पकौड़े स्कूटर में ही रखे थे, स्कूटर ही चोरी हो गया है। कितनी बार कहा है खाने की चीजें स्कूटर में मत रखा करो। मैडम अगर स्कूटर में नहीं रखूंगा तो चलाऊंगा कैसे स्कूटर? केस की कार्रवाई शुरू करो। जी नमस्कार, नाम की अदालत में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना एडवोकेट दोषी। आज हम मुकदमा चलाएंगे एक लोकल डोन पर, तो हम बुलाते हैं पप्पू बैटरी। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, Excuse me, आप कौन हैं और आपने मुंह पे रुमाल क्यों बांध रखा है? ए अबुन का नाम है पप्पू बैटरी। पप्पू बैटरी? हाँ। आपने रुमाल क्यों बांध रखा है मुंह पर? वो क्या है भाई, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा भाई। ऐसा क्या हो गया है? क्या है, कल पंटर लोग ने खंबा चढ़ा दिया ना भाई, फुटपाथ पे सो रहा था, कुत्ता मुंह चाट के चला गया भाई। किसी ने वीडियो वायरल कर दी भाई, इज्जत का भजिया पाओ, कपड़े उतर गया भाई, क्या बोले। एक मिनट, देखिए ये कोर्ट है, यहाँ आपको कोई नहीं पहचानेगा, आप इसे नीचे कर सकते हैं। यस कर लो। आप कहती हैं तो कर लेता हूँ। वाह आप इतना हंस रहे हो, आपको पता है क्राइम कितना बढ़ गया, कितनी चोरियां हो रही है। कैसा समय आ गया है, चोरनी खुद चोरी की चिंता कर रही है। बाबा जी मैंने आपका क्या चुराया है? बी सीरियस, मुझे डर लगता रहता है कि मेरे साथ कोई क्राइम ना हो जाए। ज्यादा डर लगता है तो कराटे सीख लो। पर कराटे क्यों बाबा जी? क्योंकि बदलते दौर की मजबूरी है, आज के लड़कों को पराठे आना और लड़कियों को कराटे आना बहुत जरूरी है। बोलो सोशल बाबा की। तो बताइए आज किसकी क्या समस्या है? नमस्ते बाबा जी, नमस्ते। मेरा नाम अंशु सुमन है, मेरे बाइक से पेट्रोल चोरी हो जा रहा है, कोई उपाय बताएं? एक उपाय है, अगली बार अपनी बाइक में सिर्फ 20 रुपए का पेट्रोल डलवाना। बाबा जी उससे क्या होगा? जो भी चोरी करेगा 20 में ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, पकड़ सकते हो। तीन चीजें दुनिया में कभी वापस नहीं आती, जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर, और मोहब्बत में इमोशनल होके गर्लफ्रेंड को कराए रिचार्ज के पैसे। इसीलिए जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो क्यों करूंगा, वो मैंने बोला ही नहीं। लेकिन मैं चोर लोगों से बड़ा परेशान हूं, वो तो लाखों का माल ले जाते हैं, हमारे पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं, ऊपर से भागते इतना तेज है, मां कसम बता रही हूं मैं, अगर ये ओलंपिक में जाए ना तो गोल्ड मेडल लेके आएंगे, फिर भी पब्लिक चोर हमें बोलती है। वो तेनु काला चश्मा जचदा है, जचदा है गोरे मुखड़े ते, हन काला
चश्मा, काला चश्मा, ओ बले, ओ साहब जी, ओ आज मैं बहुत खुश हूँ जी, आप मिठाई खाओ बस। वाह वाह, चलो शुक्र है भाई, भगवान ने तेरी भी सुन ली। बेटा हुआ क्या बेटी? ओ जनाब, 2 साल से आपकी सेवा में हूँ, बच्चा क्या ब्लूटूथ से पैदा होएगा? अबे तो मिठाई किस खुशी में खिला रहा है? ओ जनाब क्या हुआ जी, आज मैं गया था जी एक पंडित जी के पास, तो मैंने उसको बताया कि पंडित जी मेरी ना तरक्की नहीं हो रही है। सच्ची? तो क्या कहा पंडित ने? पंडित कहता जी आप एक काम करो कि 10 कमीने इंसानों को ना मिठाई खवा दो, और साहब आपको याद होगा आपने एक बार कहा था मैं अकेला ही 10 इंसानों के बराबर हूँ, तो साहब मुझे लगा कि 10 कमीने इंसान कहाँ से ढूंढूंगा, आपको ही खिला देता हूँ। वेलकम टू आर के एस द रंगना खनावट शो। आज हमारे इंटरव्यू में जो शख्सियत आने वाले हैं, वो एक बहुत ही ऑनेस्ट टैक्स पेयर है। जी हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मिस्टर भोलेनाथ तोमर का। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, घूमे बैरों की नगरी कौन किसी की सुनता, अपना काम बनता। हमने भोलानाथ जी को बुलाया था, आप कौन है? मैं भोलानाथ का भाई हूँ चांद सिंह तोमर, और लोग प्यार से ना मुझे चंट बुलाते हैं, आप भी बड़ी प्यारी हो मुझे चंट ही बुलाओ जी। बैठ जाइए। अगर आप उनके भाई हैं तो आप भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर होंगे। ओह कमाल कर रहे हो जी, टैक्स की बात कर रहे हो, मैंने पैन कार्ड नहीं बनवाया अभी तक। आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया? देखो मैडम, मैं पैन कार्ड बनवाने गया था, उन्होंने मुझे कहा कि पहले पासपोर्ट बनवाओ, मैं पासपोर्ट के लिए गया, उन्होंने मुझे कहा कि पहले आधार कार्ड बनवाओ, मैं आधार कार्ड के लिए गया, उन्होंने भी मुझे कहा कि पहले राशन कार्ड बनवाओ, मैं उसके लिए गया, वो बोलने लगे कि पहले जाके पैन कार्ड लाओ। मैडम ये जो पैन कार्ड है ना, ये पैन कार्ड नहीं है, ये पैन कार्ड है। देखिए हमने तो एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर को बुलाया था, पता नहीं है कौन आ गया है यहाँ पे। आपने जो पूछना है जल्दी पूछ लो, मेरे को जो अपने टैक्स के अफसर है उनको थोड़ा खातिर पानी करनी है, घर आने वाले हैं वो। आप टैक्स के ऑफिसर्स को कुछ खिलाते हैं? मैडम खिलाते हैं, कमाल की बात करते हो, घर पे खिलाते हैं, बाहर खिलाते हैं, अपने उनकी रेस में खिलाते हैं, हर जगह जहाँ भी वो खाना चाहे, क्योंकि वो खाने के बड़े शौकीन होते हैं, हम खिलाने के बड़े शौकीन हैं। सोशल बाबा हमें करेंगे शीघ्र ही ज्वाइन, क्योंकि वो भरने गए हैं इनकम टैक्स, और तब तक आप खा सकते हैं चॉकलेट और कैंडी, क्योंकि आपके साथ खेलेंगी क्विज़ क्विज़ आपकी फेवरेट मिस ट्रेंडी। तो बताइए भक्तों कि ब्रूस ली दिवाली पे क्या बनाना पसंद करते हैं, बताइए बताइए। तो हम बताते हैं, ब्रूस ली को दिवाली में बनाना पसंद है रंगोली। बाबा जी ये सब छोड़िए ना, आप ये बताइए आपने इनकम टैक्स भरा? हम वहाँ गए थे, बोले बाबा आपने बेकार ही कष्ट किया, 10-15 रुपए का क्या टैक्स भरना। क्योंकि आजकल भक्त सयाने हो गए हैं, छोटे मोटे टॉप अप ही कराते हैं, दक्षिणे तो कोई देता नहीं। बोले सोशल बाबा की। चलिए बाबा जी आप प्रवचन स्टार्ट करते हैं। अवश्य। बताइए आज किसकी क्या समस्या है? इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स एंड हाउस टैक्स में क्या अंतर है? आय आय शर्मा। बात वैसे शर्माने वाली नहीं है, लेकिन जितनी मेहनत आपने क्वेश्चन ढूंढने में की है, अगर इतनी मेहनत अपने आप पे की होती मतलब आपको आंसर मिल जाता। भाई बाबा का तो हाल पता चल ही गया है, बाबा टैक्स के बारे में क्या बताए, बाबा तो खुद टैक्सी में आए हैं। बाबा अगर जिंदगी 4 दिन की है और दुनिया पीतल दी है, तो इंसान पैसों के पीछे क्यों भाग रहा है बाबा? एक बात बता, फालतू की बात क्यों करती रहती है? देखो है, अभी दुनिया पीतल की है चाहे सोने की है, तूने क्या लेना है जाके ना, ऐसी बातों से मेरा दिमाग मत खाया कर, समझ में आ गई? क्या बुला के ला सकते? तो चलिए अब मैं आपके बकरों नहीं नहीं आपके भक्तों को बुलाती हूँ। हाँ भक्त जनों आइए। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी।
जय हो, जय हो बाबा जी, जय हो बाबा जी, जय हो बाबा जी। बाबा नंबर 108 बबुला नंद महाराज की जय। तो मेरे भक्तों, क्या बाहर तुमने दान पात्र देखा? देखा तो क्या उसमें कुछ डाला? नहीं बाबा जी। है? उफ, लगता है अच्छे से ही समझाना पड़ेगा बालिका। देखो, दुनिया में कमा लो जितने मर्जी हीरा मोती, पर एक बात जान लो, दुनिया वालों के कफन में जेब नहीं होती। जो लाए हो वो यहीं पर छोड़ के जाना होगा, अब तो समझे? नहीं बाबा जी। अरे ये धन तो हाथ का मैल है, अब तो समझे? नहीं बाबा जी। अरे एक काम कर, तू मेरी ना जाके वो पादुका लेके अंदर वाली। क्यों बाबा जी? वो इसलिए क्योंकि लातों के भूत बातों से मानते कहाँ है। पर बाबा जी, हम तो यहाँ पे प्रवचन सुनने आए हैं, दान दक्षिणा देने थोड़ी ना आए हैं। ऐसा श्राप दूंगा कि आने वाले सारे बच्चे नंगे पैदा होंगे। न्यू। पर बाबा जी, बच्चे तो नंगे ही पैदा होते हैं, कोई शेरवानी वाला बच्चा पैदा हुए देखा है? घूमना फिरना किसको पसंद नहीं, लेकिन सही जगह पर सही से घूमना उससे भी बड़ा टास्क होता है। इसलिए आज हमारे इंटरव्यू में इंटरव्यू देने आ रहे हैं एक ऐसे इंसान जिन्होंने बहुत लोगों को पूरी दुनिया भर में घुमाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर स्पीडी सिंह। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, फोर नाइट एक डे का। हाँ जी, फोर नाइट एक डे का ना, नहीं रात को रहने का, दिन में निकाल देंगे ना होटल वाले, पैसे आपने कम दिए। हाँ जी, ओके। हाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हैप्पी आवर शो में। जय माता दी जी, जय माता दी। बैठिए बैठिए। देखो जी, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि अक्सर देखा है बड़े बड़े कलाकार लोग, सिंगर लोग इंटरव्यू देते हैं। आज पीडी सिंह, आपने टूर एंड ट्रेवल वाले को बुला लिया जी, अच्छा दर्शन करवा दिए। मतलब आप भी पूछोगे, मैं भी पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? नहीं, मैं पूछूंगी आपसे। अच्छा, हाँ जी, प्लीज। हमने सुना है कि आप लोगों को अच्छी तरह से घुमाते हैं, तो ये आइडिया आपको आया कहाँ से? आइडिया दरअसल मैडम, ये आइडिया मेरा है ही नहीं। हाँ जी, क्योंकि मेरे ना घर में गरीबी बढ़ी रही है, शक्ल से दिख रहा होगा वैसे आपको। तो मेरे घर वाले ये कहते थे, तू बड़ा निकम्मा बंदा है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैंने सोचा अभी ऐसा क्या काम किया जाए, तो मैं रात को सोचता रहा, सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। फिर मैं अगले दिन उठा, मैंने कहा रात को क्या सोच रहा था। फिर मैंने ऐसे ना जब थोड़ा किया, फिर मुझे आइडिया आया कि यार दाढ़ी कटवाने वाली हो गई। यो सोशल बाबा, प्रणाम। अरे वाह, आज तो तुम हमारा डाटा बिना यूज किए नेटवर्क में चले गए। बाबा जी, क्या है ना, वैसे भी आप यहाँ पर आके हमें यहीं बिठाने वाले थे, तो हम ऐसे खुद ही आ गए। हमारे प्रवचनों का असर हो रहा है। धन्यवाद। एक बार सभी भक्त मिलकर बोलिए सोशल बाबा की। ब्रेंडी। हाँ जी बाबा जी। हमें ऐसा एहसास हो रहा है हमारी हार्ड डिस्क में स्पेस कम लग रही है। पर बाबा जी, कल ही तो मैंने 32 GB का फुल डाटा करवाया है। कल हमने कुछ विदेशी भक्तों से वीडियो कॉलिंग की थी। ओह, आई सी। उसमें डाटा यूज हो गया होगा। ओके बाबा जी, अभी जाके ऑर्डर कर देती हूँ। ध्यान रहे वायरस ना हो कहीं। ओके। खूबसूरत लड़की का भाई पहलवान हो तो सभी उससे डरते हैं। चलो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आज किस भक्त की क्या समस्या है बताइए आंटी जी। मेरे पति मुझे कभी घुमाने फिराने नहीं लेके जाते। कितने साल हो गए शादी को? 25 साल हो गए। फिर तो आप अकेले भी जा सकती हो। आपके इस विषय पर मुझे एक चुटकुला याद आया है। एक पुरुष 20 साल की कैद काट कर जब घर आता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि आप तो आज 8 बजे रिहा होने वाले थे, 10 बजे आए हैं, 2 घंटे कहाँ थे? पुरुष चुपचाप वापस जेल चला गया।
मायसेल्फ राजू गाइड। कितना सुंदर सेट लग रहा है, ऐसा लगता है कि मैं स्वर्गों में आ गया। आपको लगा है कि आप स्वर्गों में आ गए? अगर लग रहा है तो आए हुए सारे स्वर्गवासियों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। क्या करे, गाइड है ना, बताना पड़ता है सब कुछ। और इंडिया में कोई अंग्रेज आए राजू गाइड से ना मिले, ये अंग्रेजों के लिए बहुत बुरी बात है। मुझे लगता है कि कोई फिरंगन आ रही है। Welcome to India, myself, Raju Guide. Hi, I am Christina. Madam, आपको देख के मुझे आ गया है पसीना। What the hell? Madam, आपको इंडिया में मैं ना ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी। Okay, well, ये बताओ कि यहाँ पे सबसे सस्ता क्या मिलता है? Wait, stay away. मैडम, सबसे सस्ता इंडिया में हगी मिलता है। वो कैसे? ये ऐसे मैडम। Okay, you're doing that. Stay away. अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे सबसे महंगा क्या मिलता है? महंगा यही हग आप मुझे करो, वो सबसे महंगा हो गया मैडम। How funny. आप ये बताइए कि पानी वाली बोतल सील लेंगी या बिना सील के? और दोनों पानी में क्या फर्क है? पानी मैडम सेम जगह का है, सील वाली 20 रुपए की या बिना सील वाली फ्री है। अच्छा ये बताओ कि अभी यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है? मैडम देखने वाली तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आपका ध्यान ही नहीं जा रहा। What?